नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन एस्ट्रो हेल्पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं सिंह लग्न के जातकों के बारे में, उनका 2018 कैसा जाएगा, वर्ष में उनके क्या क्या समस्याएं होंगी, क्या क्या समाधान होंगे, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, नौकरी आदि के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। आइए बात करते हैं सिंह लग्न के पारिवारिक जीवन के बारे में। सिंह लग्न के जातकों, वर्ष 2018 में पारिवारिक जीवन आपका सुखी नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ समस्या आपको लगातार परेशान करेगी। आपको ये करना है कि आपको अपनी जो सोच है उसको नियंत्रित रखना है, खुश रहना है, दूसरों को खुश करने का प्रयास करना है, क्रोध नहीं करना है, अहंकार से दूर रहना है। अहंकार हर समस्या की जड़ होती है और उसी को अगर आप खत्म कर देंगे तो आप अपनी समस्याएं स्वयं ही खत्म कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको परिवार में कुछ ना कुछ समस्या लगातार उठानी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बनती जाएंगी और अंत में इसका जो अंत होगा वो बहुत बुरा हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने आप को संयमित रखिएगा, उसी में सारी शांति छुपी हुई है, सारा सुख छुपा हुआ है। आइए अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। सिंह लगन के मेरे मित्रों, आपको इस वर्ष वैवाहिक जीवन को लेकर भी काफी सतर्क रहना है, क्योंकि शनि का जो गोचर है वो उसकी पूरी इच्छा यह है कि वो आपके वैवाहिक जीवन को अस्त व्यस्त करे, तहस नहस करे। और आने वाले जीवन में आप देखेंगे कि आपको बिना कारण ही बहुत सारे विवादों में उलझना पड़ रहा है अपने जीवन साथी के साथ। शनि की इच्छा इस वर्ष ये बनी हुई है कि वो आप लोगों के बीच में मतभेद कराए, सेपरेशन कराए, तलाक करा दे। उसके लिए आपको अपनी जो विचारधारा है उसको थोड़ा संयमित करके और अपने जीवन साथी के साथ मिलजुल कर चलने की चेष्टा करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो बचा रहे। आइए बात करते हैं इस वर्ष आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। पेट की समस्याओं से अधिकतर आप ग्रस्त रह सकते हैं। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, इंटेस्टिनल पेन आदि समस्या आपको हो सकती है। कंधों में दर्द की समस्या आपको हो सकती है। ये सब छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु अधिकतर परेशानी आपको मानसिक रहने वाली है, जिसके लिए आपको थोड़ा संयमित जीवन जीना पड़ेगा, तभी आपकी जो मानसिक शांति है वो बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं आपका करियर अर्थात नौकरी कैसी रहने वाली है इस वर्ष। तो मेरे सिंह लगन के मित्रों, इस वर्ष आपकी जो नौकरी का क्षेत्र रहने वाला है वो भी आपको थोड़ा दुखी करेगा। जितनी आप तरक्की सोच रहे हैं कि आप करेंगे इस वर्ष, वो संभव नहीं हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, कुछ कुछ महीनों में आपको काफी सफलता मिलेगी, किंतु अधिकतर हम देखेंगे ओवरऑल पिक्चर जो इस साल की है वो ये बोलती है कि आपको इस साल के अंत में कोई जाके अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आपको कोई ऐसा अचीवमेंट बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। मई से लेकर नवंबर के बीच का जो समय रहेगा उसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। इस वर्ष जो अच्छी चीज रहेगी, आपके कॉन्टेक्ट बहुत बनेंगे, किंतु आप किसी काम नहीं आ पाएंगे। हो सकता है बाद में काम आए, तो आपके संबंधों को जरूर बनाते जाइए, क्योंकि आगे चल के प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट ही आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने में काम आएंगे। आइए बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। इस वर्ष आपको ज्वाइंट वेंचर नहीं करने, पार्टनरशिप नहीं करनी, स्टॉक मार्केट से दूर रहना है। अगर आप ये सब करते हैं तो आपका जो वर्ष रहेगा वो काफी हद तक ठीक जाएगा, आपको कोई अधिक परेशानी नहीं होने वाली है। और अगर आप इस वर्ष के अंत में देखेंगे तो आप न कुछ खोया न पाया वाली स्थिति में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी है। खोने से चीजों का परिणाम जरूर मिलेगा, इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं, इस बात की आप निश्चितता रखिए कि अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, किंतु उसमें बहुत देरी होगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इतनी देर होगी। मेरा कहना तो ये रहेगा कि हिम्मत मत हारिए और अपने प्रयास में लगे रहिए। आइए अब बात करते हैं आपके रोमांस के बारे में। इस वर्ष बहुत संभव है कि ये जो क्षेत्र है ये आपके जीवन में कुछ सुख दे दे और आपका कोई प्रेम संबंध स्थापित हो और ये प्रेम संबंध आगे चल के विवाह में तब्दील हो जाए, इस बात की बहुत संभावना भी बनी हुई है। अगर आपकी अपनी खुद की कुंडली में ऐसे योग है तो इस वर्ष निश्चित रूप से आपका एक बहुत अच्छा प्रेम संबंध बनेगा। आइए अब बात करते हैं कि इस वर्ष के लिए आपका सबसे अच्छा रत्न कौन सा है। इस वर्ष आपको पीला पुखराज धारण करना चाहिए, जो कि आपके लिए सभी क्षेत्रों में लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब बात करते हैं वैदिक उपायों की। इस वर्ष आपको हर शनिवार और मंगलवार उपवास करना चाहिए। जहाँ तक हो मंगलवार को रक्तदान जरूर कीजिएगा, उससे आपको काफी लाभ होगा। ब्राह्मणों को पीले वस्त्र धारण करें और गायों को जहाँ तक हो सके भोजन कराएं। जब भी आपको संभव हो, जरूरी नहीं है कि किसी खास दिन ही ऐसा करें, किंतु गुरुवार को करेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था वर्ष 2018 का आपका लग्नफल अथवा राशिफल। अगर आपकी राशि है सिंह तो भी आप इसे देख सकते हैं, अगर आपका लग्न है सिंह तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।